और बाइबल से एक लुका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, लुका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 26 से पद से लेकर 38 पद तक, 26 से 38 लुका एक, 26 से 38 छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल संदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, उस जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से और तन मन से सुनना, क्योंकि परमेश्वर इस वचन से आज हम सभी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित हैं और उनका जो वचन है, जो बाइबल है, वो भी जीवित है। जब बाइबल को हम देखते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बाइबल शारीरिक है, या जैसे लिखा है वैसा है, लेकिन सही में बाइबल में बहुत गहराई है, और बाइबल की गहराई ऐसी है कि बाइबल की गहराई कोई भी नाप नहीं सकता। ऐसी बाइबल की गहराई है, दिखने से कई बार हो सकता है किसी को ना पता चले, उसको शारीरिक समझे, लेकिन बाइबल शारीरिक नहीं है। बाइबल पढ़ते हैं तो पता चलता है, जो दिखता है वो मतलब नहीं निकलता, लेकिन उसका कुछ और मतलब निकलता है। पुराने नियम में देखो, ढेर सारी बलि थी, ये बलि दो, ये पशु की बलि दो, ये पक्षी की बलि दो, ऐसे कई बलि बाइबल में लिखी थी, लेकिन सही में परमेश्वर बलि को नहीं चाहते थे, क्योंकि दाऊद राजा ने एक बार ऐसा कहा भजन संहिता 51 में कि प्रभु आप होम बलि से प्रसन्न नहीं होते, आप मेल बलि से प्रसन्न नहीं होते, अगर बलि से प्रसन्न होते तो मैं बलि दे देता। भजन संहिता 51 उसके 16 पद में ये बात लिखी हुई है। तो दाऊद भी जानते थे जो लिखा है वैसा नहीं है, परमेश्वर कुछ और कहना चाहते। फिर परमेश्वर का वचन मिका भविष्यवक्ता भी कहते हैं कि परमेश्वर हम आपके सामने क्या लेकर आए, क्या मैं तेल की हजारों नदियां बहा दूं, क्या हजारों भेड़ की चर्बी चढ़ा दूं, क्या मेरा पहल उठाए उसका बलि दे दूं, क्या या मेरे शरीर में से कुछ काट कर दे दूं, क्या प्रभु हम जानते हैं कि आप किसी भी बलि से खुश नहीं होते, आप प्रसन्न नहीं होते। और फिर हम सभी को बताते कि सही क्या है, वो परमेश्वर हमको बताया हुआ है कि
आज्ञाकारी करना, परमेश्वर के रास्ते पर चलना, सही रीति से चलना, वही हमारे परमेश्वर वो हमसे चाहते। लेकिन जब पढ़ते हैं तो मूसा ने जो लिखा उसमें ढेर सारे बलि जो है वो दिखाई देती है। लेकिन पौलुस, जब परमेश्वर ने पौलुस को पसंद किया तो पौलुस ने सारी बातें एक ही लाइन में बता दी। और रोमिया 12:1 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर को जो चाहिए वो हमारे शरीर की बलि चाहिए। लेकिन कैसी? तो बोले जीवित, हमको मारना नहीं है, खुद को ख़त्म नहीं करना है, खुदकुशी नहीं करनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे खुद की बलि चाहते हैं, ऐसी बलि जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, प्रभु सुके मेमने की तरह, और जीवित हो और परमेश्वर को पसंद है, ऐसी परमेश्वर हमारी बलि चाहते। देखने से कैसा दिखता है? बाइबल शारीरिक, परमेश्वर इतनी बलि मांगी, भेड़ को मांगा, बकरे को मांगा, ये मांगा, वो मांगा। लेकिन जब पढ़ते तो पता चलता है कि नहीं, इनमें से तो परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए। ये शारीरिक बातें परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर को तो आत्मा की बातें चाहिए। पुराने नियम में परमेश्वर ने दाऊद राजा को पूरा नक्शा ला कर दिया, ये दाऊद राजा नक्शा, और ऐसा मंदिर बनाना है तो अपने बेटे से कहना, सुलेमान से कहना ऐसा मंदिर बनाए। लेकिन जब प्रभु इस धरती पर आए तो प्रभु उसने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लोग हैरान रह गए, लोग बोलने लगे कि जिस मंदिर को बनाते हुए हमको 46 साल लगे और तू क्या इसको 3 दिन में बनाएगा। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु अपने शरीर वाले मंदिर की बात करते थे। और फिर पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में कि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का भवन है, वो जो सुलेमान ने बनाया वो नहीं, परमेश्वर वो भवन नहीं चाहते थे। अगर वो चाहते तो आज तक उसको कोई भी गिरा नहीं पाता। लेकिन जो मंदिर परमेश्वर चाहते हैं वो तो हमारा शरीर है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहते। परमेश्वर ने आगे चलकर अब्राहम को चुना और अब्राहम के साथ साथ अब्राहम की संतान को भी आशीष दी। और परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तू और तेरी संतान आशीषित होंगे, अब्राहम मैं तेरी संतान को इस जगह पर वापस लेकर आऊँगा, मैं उनको वो जगह दूंगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, मैं वो देश दूंगा जहाँ पर कनानी लोग रहते, हित्ती लोग रहते, हिवी लोग रहते, यबूसी लोग रहते, वो सारी जगह मैं उनको दूंगा। इस तरह से हमारे परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर अब्राहम की संतान को भी आशीष दी। अब्राहम से इसहाक हुए, इसहाक से याकूब हुए, और प्रभु सुने उस याकूब का नाम इसराइल रख दिया। और इसराइल का मतलब होता है कि जिसके लिए हमारे परमेश्वर युद्ध करते, परमेश्वर जिसके लिए युद्ध करते वो इसराइल। लेकिन फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमिया की पत्री और उसका 9वां अध्याय, रोमिया 9, और कोई पढ़ो तो उसका 6वां पद। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं। देखो अब परमेश्वर का वचन कुछ अलग से कहते हैं। परमेश्वर ने वहाँ शारीरिक आशीष, शारीरिक दिखने वाली आशीष दिखाई, बताई कि अब्राहम तू और तेरी संतान आशीषित होंगे, मैं उनको यह देश दूंगा, उसकी संतान याकूब जिसका नाम इज़राइल रखा गया। लेकिन अब नए नियम आकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है इज़राइल की संतान होने का मतलब ये नहीं कि वो सारे इज़राइली है। देखो इज़राइल की संतान तो फिर इज़राइली होने चाहिए ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं, इज़राइल की संतान का मतलब ये नहीं कि वो सारे इज़राइल के हो गए। आगे पढ़ो 7वां पद। और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। देखो इब्राहिम के संतान होने के कारण सब उसके वंश ठहरे ऐसा भी नहीं है। मतलब अब्राहम से पैदा हुए, अब्राहम से इसहाक, अब्राहम से इस्माइल, अब्राहम से ऐसाव, अब्राहम से और भी। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम की संतान का मतलब ये नहीं है
कि वो सारे अब्राहम के अंश है, अब्राहम के संतान से ही। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे अब्राहम के अंश है। और आगे आठवां पद, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। बाइबल में लिखा है शरीर की संतान मतलब परमेश्वर की संतान ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संतान परमेश्वर देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि शरीर की संतान मतलब परमेश्वर की संतान ऐसा भी नहीं, लेकिन कैसे संतान? वचन से, जो वचन से पैदा होते वो संतान, जो वचन से पैदा होते हैं वही परमेश्वर की संतान। वचन से पैदा होना मतलब क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम मैं तुझे संतान दूंगा, यह है परमेश्वर का वचन, मैं तुझे संतान दूंगा, ये परमेश्वर का वचन है। और जो वचन परमेश्वर ने दिया था वो था इसहाक के लिए, लेकिन उससे पहले इस्माइल पैदा हो गए। तो अब्राहम को तो हो सकता है ऐसा हो कि ये जो इस्माइल है वही परमेश्वर ने जो बोला था वही लड़का है, लेकिन परमेश्वर आकर मना कर दिया कि अब्राहम ये तेरी संतान है, उसको मैं आशीष दूंगा, ये बात सही है, लेकिन इसको घर से बाहर निकाल दे, ये तेरे अंश नहीं गिनी जाएगी। तेरी अंश तो सारा से जो पैदा होगा जिसके बारे में मैंने बात की है, मतलब इसहाक, उसी से वंश गिना जाएगा। मतलब मैंने जो वचन दिया था वो इस्माइल के लिए नहीं था, वो तो इसहाक के लिए था। एक ही कंपनी एक ही मॉडल का एक मोबाइल नहीं निकालती, एक कंपनी एक मॉडल की एक कार नहीं निकालती, एक कंपनी एक ही मॉडल की एक मोटरसाइकिल नहीं निकालती, एक ही मॉडल की मोटरसाइकिल पूरे इंडिया में घूमती रहती है, सभी उसी कंपनी ने बनाई, सभी उसी कंपनी की है। लेकिन फिर भी कंपनी का मालिक आकर ऐसा बोलता है मैं तुझे एक मोटरसाइकिल दूंगा, वो जो मोटरसाइकिल उसने दी वो सभी से हटकर है, मॉडल वही, स्पेयर पार्ट वही, बनी भी उसी तरह से, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, उसमें थोड़ा सा भी भेद नहीं। लेकिन उसने बोला मैं दूंगा तुझे, उसने आकर हमें गिफ्ट में दी, बाकी के लोगों ने खरीद कर ली। ये फर्क है। जब परमेश्वर बोलते हैं कि मैं दूंगा, वचन का बेटा, चलो वचन की संतान तो इसहाक था, आगे चलकर कौन वचन की संतान? उसके बाद निकोदिमस को प्रभु से ने कहा कि जो जल से ना जन्मे आत्मा से ना जन्मे वह नया जन्म ना पाए वो स्वर्ग राज को देख भी नहीं सकता। और वचन से पैदा होना, ये परमेश्वर के वचन से, ये वचन जब आता है और इंसान पश्चाताप करता है, वो बपतिस्मा लेता है, अपने पाप को धो देता है और पवित्र आत्मा को पा देता है, उसको कहते हैं कि वचन से पैदा होना। और जब इंसान वचन से पैदा होता है तो परमेश्वर बोलते शरीर से पैदा हुए मतलब परमेश्वर से पैदा हुए ऐसा नहीं। जो वचन से पैदा हुआ, जिसका नया जन्म हुआ, वही परमेश्वर से पैदा हुए वो लोग हैं। और फिर उत्पत्ति में लिखा है उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियो का अधर्म पूरा नहीं हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, अभी इसहाक नहीं पैदा हुआ था उससे पहले कहा था अब्राहम तेरी अंश जो है वो विदेश में परदेश में जाकर भटकेगी, वो गुलाम बना दी जाएगी, 400 साल तक वो लोग गुलामी करेंगे और 400 साल के बाद चौथी पीढ़ी जो उनकी चलती होगी उनको मैं वहाँ से बाहर निकालूंगा और मैं उनको इस देश में मैं लेकर आऊँगा। फिर से पढ़े 16 पद, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि फिर से पढ़ो, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। यहाँ फिर आएंगे क्या लिखा है? चौथी पीढ़ी में वो लोग कहाँ पर आएंगे? यहाँ फिर आएंगे। अभी उनको यहाँ से कहीं और लेकर जाएंगे, अभी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले परमेश्वर ने बोल दिया अभी तो वो लोग कहीं और जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनको गुलाम बना दिया जाएगा और 400 साल होंगे तब चौथी पीढ़ी कहाँ पर आएगी? यहाँ। मतलब जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर बताया, अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दिया, अब्राहम जो देश में दिखा था वहाँ चला जाएगा। वो देश था कनान देश, जहाँ हेवी लोग रहते थे, जहाँ यबूसी लोग रहते थे और जहाँ हित्ती लोग रहते थे, वहाँ पर
परमेश्वर अब्राहम को तो पहले से ही लेकर गए थे। अब्राहम को बोला, अब्राहम जहाँ जहाँ तेरे पैर जाएंगे, तू इस देश में जितना भी घूमने वाला है वो सब कुछ मैं तुझे और तेरे अंश को दे दूंगा। और अभी परमेश्वर ने बोल दिया कि पहले तेरी अंश 400 साल तक गुलाम बनी रहेगी और उनकी चौथी पीढ़ी को मैं कहाँ पर लेकर आऊँगा, यहाँ पर लेकर आऊँगा। एक बार फिर से पढ़ो ये 16 पद। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। एक बार फिर हमने पढ़ा कि वो चौथी पीढ़ी में यहाँ पर फिर आएंगे, ऐसा किसने कहा? हमारे परमेश्वर ने। हालेलुया, सब जागते हो? जागते रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला चौथी पीढ़ी वापस यहाँ आएगी, उससे पहले कहीं और रहेंगे। अभी क्या हुआ, 400 साल हो गए और परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को वहाँ पर भेजा मिस्र देश में, और मूसा ने चिन्हों चमत्कार करते हुए उन लोगों को छुड़ाकर वहाँ से बाहर निकाला। तब चौथी पीढ़ी चल रही थी, उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद रास्ते में जो चौथी पीढ़ी थी उन लोगों ने बहुत बलवा किया, कभी परमेश्वर के सामने, कभी परमेश्वर के दास के सामने, कभी पानी के लिए, कभी रोटी के लिए, कभी रास्ता लंबा लगा इसलिए, कभी मूर्ति पूजा में चले गए, कभी ये कभी वो, बहुत कुछ उन लोगों ने किया। आखिर में परमेश्वर ने एक बार उनको बोल दिया और मूसा को कहा कि मूसा, ये जो पीढ़ी है जिनकी गिनती हमने की थी, ये चौथी पीढ़ी जिनकी गिनती हमने की थी, जो 603,550 लोग थे, उनमें से दो को छोड़कर, यहोश और कालेब को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों मेरी आज्ञाकारी पूरी तरह से करते, मेरे वचन के अनुसार चलते, उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मैं खत्म कर दूंगा रास्ते में। और बाइबल में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 पद। और हमारे कादेश बर्ने को छोड़ने से लेकर देरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। बाइबल में ऐसा लिखा है, उस पीढ़ी के योद्धा लोग जिनकी गिनती की गई थी 603,550, उसमें से दो कर छोड़कर 603,548 लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। अब क्या दो बच्चे उसको क्या पीढ़ी बोलेंगे? दो ही बच्चे, सारी पीढ़ी तो वहाँ पर ख़त्म हो गई। और परमेश्वर ने क्या बोला था अब्राहम को, कौन सी पीढ़ी आएगी? चौथी पीढ़ी। वो तो नहीं आई, चौथी पीढ़ी तो रास्ते में ख़त्म हो गई। इससे ये पता चलता है कि बाइबल जो हमें शारीरिक दिखता है वो शारीरिक नहीं है, परमेश्वर वो चौथी पीढ़ी यहाँ पर आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी झूठ तो बोलते नहीं, चौथी पीढ़ी आई। लेकिन बाइबल पढ़ने से पता चलता है चौथी पीढ़ी तो रास्ते में ख़त्म हो गई, वो तो सभी रास्ते में 38 साल में ख़त्म हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी लाश से गल गई, तो फिर यहाँ पर आया कौन? इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जो लिखा है वो शारीरिक बातें नहीं, जो शारीरिक चौथी पीढ़ी थी उसकी परमेश्वर बात नहीं कर रहे, परमेश्वर बात कर रहे थे ये आत्मा की बात कर रहे थे। परमेश्वर आत्मिक जो पीढ़ी है उस आत्मिक पीढ़ी की परमेश्वर बात करे, परमेश्वर शारीरिक बातें नहीं करें, लेकिन परमेश्वर बाइबल से आत्मिक बातें कर रहे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शारीरिक है क्या, जैसा लिखा है वही बस उसी तरह हमें जीना है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर से हमें कुछ आत्मा की बातें जो है वो हमारे परमेश्वर हमें सिखाते। ऐसे चलते चलते इसराइल के लोग वापस आ गए और फिर परमेश्वर उनको चलाते रहे, परमेश्वर उनको अगुवाई देते रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इसराइल ने चारों ओर देखा, अपने आप को छोड़कर दूसरी प्रजा को देखा। जब दूसरी प्रजा को देखा तो उन्होंने देखा कि इनके पास तो राजा है, इनको चलाने वाला कोई मुखिया है, इनके पास एक राजा है, और हमारे पास तो राजा ही नहीं है, हमको कौन चलाएगा? उस वक्त भविष्यवक्ता शमूएल थे, वो सभी का न्याय भी कर रहे थे, वो सभी को चला रहे थे। और इसराइल के लोग शमूएल के पास गए और शमूएल के पास जाकर ऐसा कहा कि शमूएल, हमको तो राजा चाहिए, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हम पर राज करे, जो हमें बाहर निकाले, जो हमें वापस लेकर आए।
जिस तरह से और प्रजा में राजा है उसी तरह से हमें एक राजा जो है वो राजा चाहिए। इसराइल प्रजा ने राजा मांगा क्योंकि और प्रजा में राजा था लेकिन इसराइल में राजा नहीं था। जब इसराइल में राजा नहीं था और शमूएल के पास मांगा तो शमूएल को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इसराइल को चलाने वाला अगर उस वक्त कोई था तो शमूएल थे। तो शमूएल को ऐसा है कि ये लोग मुझे नहीं चाहते और वो लोग एक राजा चाहते। तो परमेश्वर ने शमूएल से बात की और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां पद। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे है उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है। देखो परमेश्वर ने क्या बोला कि शमूएल तो अपने आप में बुरा मत मान। वो लोग राजा मांग रहे, कोई बात नहीं राजा दे दे इनको, सही में तू राज नहीं कर रहा, राज तो मैं कर रहा हूँ। वो लोग तुझे तुच्छ नहीं जानते, वो लोग मुझे तुच्छ जानते। उन लोगों ने मुझे तुच्छ जाना कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर मुझ पर राज ना करे। लेकिन उस वक्त एक ही प्रजा ऐसी थी इसराइल कि जिनका राजा अगर कोई था तो वो हमारे परमेश्वर थे। परमेश्वर राज करते थे और परमेश्वर चलाते थे। और यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका 15 पद। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। यशायाह 45 का 15। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। और 44 का 16। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पका कर खाता है। वो मांस ढूंढकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, मैं गर्म हो गया, मेरे आग देखिए। और भजन संहिता उसका 114। और उसका एक और दो पद। जब इज़राइल ने मिस्र से और याकूब के घराने में अन्य भाषा वालों के मध्य से पूछ लिया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। एक बार फिर से पढ़ो तो। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने से याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच में कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान परमेश्वर का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। राज्य के लोग होना, जब राजा होता है तो राजा ऐसा बोलता है कि मेरा राज है, ये मेरा राज्य है। राजा होता है तो उसका राज्य भी होता है। यहाँ पर परमेश्वर की बात एक लिखी हुई है कि वहाँ पर परमेश्वर राज कर रहे थे। परमेश्वर का राज जब वो लोग बाहर निकले तो बाइबल में लिखा है कि इज़राइल उनका राज हो गया। इसका मतलब पहले परमेश्वर जो थे वो परमेश्वर इज़राइल के ऊपर वो पहले राज करते थे। राज करने का मतलब होता है, राजा होने का मतलब होता है कि राजा के ऊपर कोई नहीं होता और देखने जाओ तो राजा के नीचे भी कोई नहीं होता। नीचे नहीं होता मतलब जो भी कर रहा है राजा को ही कर रहा है। राजा जो भी निर्णय ले ले उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। हम लोकशाही देश में रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई कानून बनाना होता है तो सभी को बुलाकर पूछना पड़ता है कि भाई साहब हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, क्या बनाए या ना बनाए, ऐसा पूछना पड़ता है, साइन कर लेनी पड़ती है, सम्मति लेनी पड़ती है। लेकिन जब राजा होता है तो राजा को किसी की भी सम्मति की जरूरत नहीं। कोई अगर ना भी माने, विरोध भी करे तो अभी राजा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, बस करना है तो करना है। सुलेमान राजा ने भी कुछ टैक्स बढ़ा दिया था और जब टैक्स बढ़ा दिया था तब कई लोगों ने जाकर सुलेमान से कहा था और सुलेमान के बेटे ने वो टैक्स और भी बढ़ा दिया और सुलेमान के बेटे ने तो बहुत बेहूदा रीति से लोगों से बात की थी। तो राजा जो होता है वो राजा अपनी
मर्जी से काम कर सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और पहले हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर इसराइल के ऊपर वो राज करते थे, लेकिन इसराइल राजा मांगा तो परमेश्वर ने बोला शमूएल को कि शमूएल ये तुझे नहीं, ये मुझे तुझे जानते, ये तुझे निकम्मा नहीं मानते, मुझे निकम्मा मानते क्योंकि राजा तो मैं बनकर बैठा हूँ, मैं इनके ऊपर राज कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग तुझे नहीं, ये लोग मुझे तुझे जानते। मतलब इसराइल जो थे उनको अभी ऐसा लगा कि हमें परमेश्वर राजा की जगह पर नहीं चाहिए, हमें कोई इंसान राजा चाहिए। आज तक परमेश्वर हमको चलाते रहे लेकिन अभी हमें कोई इंसान चाहिए जो हम पर राज करें, लेकिन पहले तो परमेश्वर ही राज करते थे, परमेश्वर ही राज करते थे और परमेश्वर डायरेक्ट फैसला करते थे, जो भी करना होता था वो परमेश्वर डायरेक्ट करते थे। जब इश्माएल और हाजरा ने जब चेष्टाबाजी की और अब्राहम के बेटे और सारा के खिलाफ जब कुछ बोला तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 10 11 12 पद। तो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, देखो अब्राहम अपनी जो दासी थी उसको और उससे जो पैदा हुआ था इश्माएल उसको निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन राजा कौन थे? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने क्या बोला, चल निकाल दे, मैं बोलता हूँ बुरा मत मान, लेकिन तू इनको यहाँ से निकाल दे। जब इसराइल के लोग मिस्र से आज़ाद होकर जब रास्ते में थे तो रास्ते में कई लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई, उनका विरोध किया तो वो रास्ते में मार दिए गए। परमेश्वर मूसा को बोला कि सभी को बोल के सभी उसके पास से हट जाए, और धरती जो है उसने अपना मुंह खोला और कोरा उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे सभी को नर्क निकल गई और जिंदा है वो सभी लोग, वो लोग नर्क में चले गए। जब हारून और मरियम वो परमेश्वर के खिलाफ उनके दास के खिलाफ मूसा के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो मरियम जो थी उसको अचानक से पूरे शरीर में उसको कोढ़ हो गए। परमेश्वर तुरंत दंड देते थे क्योंकि वो राजा थे, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मूसा राजा के पास जाए और राजा को बताए, देखो ये मेरी बहन मेरा भाई या ये कुरा के लोग वो मेरे खिलाफ हो रहे, लेकिन राजा कौन थे? परमेश्वर थे। तो परमेश्वर तुरंत उनका न्याय जो थे करते थे। जब इन्होंने आवाज़ लगाई, हम प्यासे, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, रास्ता लंबा है, जब उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, जो कुछ भी रास्ते में उन्होंने किया उसके कारण वो सभी लोग रास्ते में मार दिए गए, क्योंकि परमेश्वर ने तुरंत जज बनकर जो भी फैसला करना था वो कर दिया, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो इसराइल के राजा थे और कोई राजा नहीं था। राजा के ज़माने में क्या होता है, अगर किसी ने कुछ गलती की, एक बार ऐसा हुआ था दो औरत और उसमें से एक का बच्चा मर गया, और सुबह में आधी रात में एक औरत ने दूसरी का बच्चा ले लिया और जिंदा बच्चा अपने पास रख लिया, मुर्दा दूसरी जो लड़की थी उसको दे दिया। सुबह उसको पता चला कि मेरा वाला नहीं मर गया, उसने बोला जो जिंदा है वो मेरा है, दूसरी बोलती नहीं जिंदा मेरा है। तो लोग कहाँ पर गए? वो लोग राजा के पास गए। पहले राजा नहीं थे, पहले परमेश्वर करते थे सब, और परमेश्वर तुरंत आ जाते, जिसको भी दंड देना होता था परमेश्वर डायरेक्ट दंड दे देते थे। लेकिन राजा होता है तो राजा के पास जाना पड़ता है, लेकिन पहले परमेश्वर राजा थे तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ही जो कुछ करना होता था, जिसको भी दंड देना होता था वो परमेश्वर करते थे, क्योंकि परमेश्वर का राज जो है वो इसराइल के ऊपर चल रहा था। लेकिन अब इसराइल ने शमूएल से कहा कि नहीं, हमें तो राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, इनको राजा चाहिए तो हम राजा दे देते। तो परमेश्वर ने राजा दिया सबसे पहले शाऊल, सबसे पहले साउल राजा दिया। साउल सही से नहीं चले तो परमेश्वर ने दाऊद दिए, लेकिन साउल अगर सही से नहीं चला तो परमेश्वर ने दाऊद क्यों दिया?
नहीं देना था दाऊद, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को तुच्छ जानकर राजा मांगा था, तो भुगते। दूसरी बात यह थी कि परमेश्वर ने पहले से कहा था, हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और कोई 10वें पद से पढ़ो तो। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई, और उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। देखो अगर राजा होगा तो तुम्हारे बच्चों को नौकर बना देंगे, फिर और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे, फिर वह उनको हजार हजार और पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, हाँ कितनों से हल जुतवाएगा, और अपने खेत कटवाएगा, अपना खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा, फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। देखो बहुत कुछ लिखा है, 18 पद तक अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा है। परमेश्वर ने चेतावनी भी दी थी शमूएल के जरिए कि शमूएल इनको बता दे कि राजा आएगा तो राजा ये सब करेगा, आपके साथ जबरदस्ती करेगा, आपके बच्चों को नौकर बना देगा, आपकी लड़की को भी ले जाकर रोटी बनवाएगा और भी काम करवाएगा, मर्जी चाहे राजा की वो काम करवाएगा। अभी जब ये शाऊल सही से नहीं चल रहा है, चाहे इसराइल बर्बाद हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर तो पहले से बता ही दिया था ना कि राजा होगा तो ऐसा होगा, तो सही से चले या ना चले परमेश्वर का कहने का तो मतलब यही था कि राजा है तो हो सकता है ऐसा भी करे, तो निकाह तो क्या कर रहा है, परमेश्वर ने पहले से चेतावनी दी थी। परमेश्वर को यही करना चाहिए था कि अभी शाऊल ने जो किया वो किया, मैं कुछ ना जानूँ, आप लोगों ने राजा मांगा था मैंने दे दिया, बात ख़त्म करो, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने शाऊल की जगह पर दाऊद जो है वो दाऊद को राजा बना दिया, क्योंकि परमेश्वर इसराइल को आज भी, चाहे उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया था राजा बनने से, राजा रहने से ठुकराया था, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर इसराइल को चाहे राजा नहीं रहे लेकिन फिर भी प्रजा तो अपनी ही मानते थे। अभी भी परमेश्वर को जो प्रेम था इसराइल के प्रति वो आज भी थे। और जब दाऊद ख़त्म हो गए तो उसके बाद सुलेमान जो था, सुलेमान को परमेश्वर ने राजा बना दिया। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 9वां अध्याय, दूसरा इतिहास 9 पर उसका 8वां पद, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसीलिए विराजमान किया, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की और से राज्य करे, हालेलुया। देखो क्या हुआ था, इसराइल का राजा कौन था, परमेश्वर खुद थे, परमेश्वर अपने राजासन के ऊपर बैठते थे, लेकिन जब इन लोगों ने राजा मांगा तो देखो परमेश्वर उस गद्दी को छोड़ दिया, और उस गद्दी पर परमेश्वर ने सबसे पहले शाऊल को बिठाया, चाहे वो लोग प्रभु को नहीं पसंद करते, चाहे वो हमारे पिता परमेश्वर को नहीं पसंद करते कि वो राज करे, वो राजा बने, उनको हटा दिया, परमेश्वर हट गए और परमेश्वर खुद वहां पर शाऊल को बिठा दिया। शाऊल ने जब सही से राज नहीं चलाया तो परमेश्वर उसको निकाल दिया और उसकी जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को राजा ठहराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी यही देखते थे कि वो सिंहासन वो शाऊल का नहीं है, वो तो मेरा सिंहासन है और ये मेरी प्रजा है, और मेरी सिंहासन के ऊपर मैं मेरे बनाए हुए राजा को बिठाऊंगा ताकि वो मेरे लोगों को अच्छे से संभाल सके। देखो ये लोग ठुकरा रहे, इसराइल के लोग परमेश्वर को ठुकरा रहे, और परमेश्वर आज भी उनसे प्रेम कर रहे और आज भी उनको अपनी ओर से राजा देते। और सुलेमान के बारे में क्या लिखा, फिर से पढ़ो 8वां पद, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सुलेमान से ऐसे प्रसन्न हुए कि तुझे अपनी राजगद्दी पर, कि अपनी राजगद्दी पर सुलेमान को बिठाया। हालेलुया। सुलेमान दाऊद की राजगद्दी पर नहीं बैठे, सुलेमान किसकी राजगद्दी पर बैठे, परमेश्वर की राजगद्दी पर। दाऊद भी अपनी राजगद्दी पर या शाऊल की राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, वो परमेश्वर की राजगद्दी पर बैठे थे, और वही परमेश्वर की राजगद्दी पर अब परमेश्वर ने किसको बिठाया, सुलेमान को बिठाया, ताकि सुलेमान परमेश्वर की ओर से राज चलाए।
मतलब कि सुलेमान राज ना चलाए, लेकिन परमेश्वर जैसा जैसा कहते रहे वैसे ही सुलेमान राज चलाए। मतलब लोगों ने नकारा परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर आज भी पीछे से राजा बनाकर उनमें खुद ही राज करने को चाहते थे, ताकि प्रजा का भला हो और प्रजा फतेहमंद हो और प्रजा जो है वो आगे बढ़े। जब सुलेमान राजा बन गए तो दाऊद ने वो सुलेमान राजा को कुछ सिखाया, और हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका दूसरा अध्याय और उसका 5 और 6 पद। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूया के पुत्र योआब ने मुझसे क्या 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 किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अब्नेर और येतेर के पुत्र अमासा इज़राइल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमरबंद और अपने पाँव की जुतियाँ भिगो दी। इसीलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना। देखो दाऊद क्या बोल रहे हैं, सुलेमान को बताया कि यो आपने क्या गलती की थी। यो आप मेरा सेनापति था लेकिन सही से नहीं चला था, उसने आपने को मार दिया था, तो बोले अब तू क्या करेगा उसके साथ। तो देखो पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। देखो दाऊद ने बोल दिया सुलेमान अपनी बुद्धि से चलना और योआब को मरने मत देना, मतलब बूढ़ा हो चुका है वो कभी भी मर जाएगा, उसको अपनी मौत मत मरने देना, तू मार कर उसको दफन कर देना, उसके आयु को ख़त्म कर देना, अब वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। दाऊद उसको कुछ नहीं किया था, लेकिन दाऊद अब सुलेमान को बोल रहा है अपनी बुद्धि से चलना। कौन सी बुद्धि से? सुलेमान को किसने बुद्धि दी थी? परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने सुलेमान को अपने सिंहासन के ऊपर बिठाया था ताकि परमेश्वर की ओर से राज करें। उस सुलेमान को दाऊद राजा ये बता रहे कि उस योआब को तू खत्म कर देना, उसको अपनी मौत आम मौत मत मरने देना, उसको ख़त्म कर देना। उसने जब शांति का वातावरण था तब उसने युद्ध जैसा कर दिया था, उसे अशांति फैला दी थी, उसको ख़त्म कर देना। फिर उसका 8वां 9वां पद पढ़ो। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महीने को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से साफ दिया था, पर जब वो मेरी भेंट के लिए गर्दन को आया तो मैंने उससे और की और शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू उसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। देखो दाऊद दूसरे एक शिमय नाम का इंसान था, उसके बारे में भी सुलेमान को बताया। सुलेमान उसको लहू लहान हालत में उसको उतारना कब्र के अंदर, वो ध्यान समझता परमेश्वर आज हमसे कुछ बात करना चाहते इस वचन से। दाऊद ने बताया कि सुलेमान शिमय जो जिसने उसे पहले श्राप दिया था, तो बोले उस इंसान को तू इस तरह से मारना कि लहू लहान हो जाए। मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे तलवार से नहीं मारने वाला था, लेकिन अब तेरे हाथ में राज है, परमेश्वर की राजगद्दी पर तू बैठा है, परमेश्वर की ओर से तू राज कर रहा है। तो सुलेमान मैं तुझे बताता हूँ कि उसको लहू लहान मतलब इस तरह से मारना कि लहू लहन हो जाए, और इसे लहू लहन हालत में उसको कब्र में तू उतार देना। दो लोगों के बारे में दाऊद राजा ने सुलेमान राजा को ये सारी बातें बताई, और फिर आगे लिखा है हम पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसका 28वां अध्याय। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसका 5वां पद। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है। परमेश्वर ने बहुत सारे दाऊद के पुत्र थे, उसने सुलेमान को पसंद किया कि वो इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। यहोवा के राज्य की गद्दी के ऊपर मतलब यहोवा के सिंहासन के ऊपर बैठकर राज चलाए। हालेलुया। देखो सुलेमान को कहां पर बैठने के लिए परमेश्वर ने पसंद किया, अपने सिंहासन के ऊपर। यह आत्मा की बात है, ये शारीरिक बातें नहीं है। ये जो सिंहासन की बात करे जहां पर दाऊद बैठे थे, उसके बाद जहां पर सुलेमान बैठे हुए और जिनको बिठाया गया है वो परमेश्वर है, कि परमेश्वर ने इन लोगों को पसंद किया, परमेश्वर ने उन लोगों को वहां पर बिठाया।
और साथ में लिखा है कि परमेश्वर की राजगद्दी के ऊपर चुनकर वहां पर बैठा है। क्यों परमेश्वर की राजगद्दी के ऊपर, क्यों आम सिंहासन की बात नहीं की गई, क्यों परमेश्वर के सिंहासन की बात की गई, क्यों परमेश्वर की ओर से सुलेमान राजा को परमेश्वर वाले सिंहासन के ऊपर बिठाया गया? क्योंकि लोगों ने तो परमेश्वर को नकारा था, लेकिन परमेश्वर आज भी इनको चाहते थे और परमेश्वर इन लोगों को इसलिए बिठाते क्योंकि खुद वहां पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि पहले वहां पर बैठे हुए थे तो लोगों ने परमेश्वर को नकारा था, आप नहीं लेकिन इंसान हम पर राज करेंगे। तो परमेश्वर उनकी बात सुनकर वो राजगद्दी जो थी वो परमेश्वर ने छोड़ दी थी। परमेश्वर उस राजगद्दी को छोड़ दिया और वहाँ पर पहले दाऊद को बिठाया और उसके बाद परमेश्वर अभी सुलेमान को बिठाते। अगर प्रजा ऐसा बोलते नहीं परमेश्वर आप राज करो तो परमेश्वर दाऊद को भी नहीं बिठाते और परमेश्वर सुलेमान को भी नहीं बिठाते। लेकिन प्रजा ये चाहती थी इंसान राज करे लेकिन परमेश्वर राज ना करे, तो परमेश्वर ने राज छोड़ दिया और परमेश्वर ने अपनी जगह दाऊद को दे दी। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी जगह उस सुलेमान को दे दी और उन्होंने वहाँ उनको बिठाए। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु भी इस धरती पर राजा बनकर ही आए थे। वो ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर शुरू से राजा है। इसराइल को पशु में वही राज कर रहे थे, इसराइल लोगों ने नकारा वो हट गए राजगद्दी पर से और दूसरे किसी को बिठाने लगे, लेकिन हमारे परमेश्वर पहले से राजा थे। जब यीशु आए इस धरती के ऊपर तो यीशु मसीह राजा बनकर ही आए थे। और पता कैसे चलता है, हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका एक और दो पद। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। देखो मागी लोग ने आकर क्या कहा, यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ वो कहाँ है। अब इनको कौन बताने गए, इनको किसने बताया, इनको एक सितारा दिखा, उस तारे को देखकर उनको इतना पता चल गया क्योंकि वो लोग ज्ञानी थे, उनके पास कुछ ऐसी विद्याएं थी जिससे उनको पता चला कि ये जो तारा है वो कुछ और नहीं लेकिन ये तारा वो प्रदर्शित कर रहा है यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे चाहे वो चरनी में पैदा हुए किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन ये लोग ढूंढने कहाँ पर गए, राजा के घर में ही गए क्योंकि उनको पता चल चुका था कि यहूदियों का राजा जो है वो पैदा हुआ है। यहूदियों का राजा प्रभु यीशु भी राजा बनकर ही इस धरती पर वो पैदा हुए थे। और फिर यूहन्ना में लिखा है यूहन्ना उसका 18 अध्याय और उसका 37। पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है। देखो पिलातुस ने प्रभु यीशु से कहा क्या तू राजा है। यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया। प्रभु ने स्पष्ट किया हाँ तू कहता है मैं राजा ही हूँ, मैं इसलिए पैदा हुआ, मैंने इसलिए जन्म लिया, मैं राजा हूँ। प्रभु ने इनकार नहीं किया लेकिन प्रभु ने क्या बताया, मैं इसलिए पैदा हुआ। प्रभु यीशु राजा बनकर इस धरती पर आए थे और प्रभु यीशु ने ये बात कबूल भी की। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है उसका 19वां अध्याय और कोई 19 से पढ़ो तो। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। देखो पिलातुस ने एक बोर्ड लगाकर उस क्रूस के ऊपर लगा दिया, उसमें क्या लिखा था, यीशु किसका राजा, यहूदियों का राजा। देखो वहां पर बोर्ड क्या लगाया पिलातुस ने, यीशु यहूदियों का राजा। यीशु मसीह इनकार नहीं किया था मैं राजा नहीं हूं, बोले मैं इसलिए पैदा हुआ, मैं राजा ही हूं। और पिलातुस ने भी बोर्ड लगा दिया कि यीशु यहूदियों का राजा। फिर पढ़ो आगे। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा। हाँ जब बहुत लोगों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तीन भाषा में ये बात लिखी गई थी कि यीशु यहूदियों का राजा। फिर
यहूदियों के महायाजक पास्टर लोगों ने ऐसा कहा यहूदियों का राजा मत लिख परंतु ये उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। ऐसा लिख बोले तू, यीशु यहूदियों का राजा ऐसा मत लिख, लेकिन ऐसा लिख यीशु ऐसा कहता है कि मैं यहूदियों का राजा, मतलब हम कहाँ उसको मानते राजा। हालेलुया, बहुत ध्यान समझना। बरसों पहले शमूएल के जमाने में उस वक्त प्रजा ने परमेश्वर को राजा होने से नकार किया, ये नहीं चाहिए, उन्होंने तुच्छ जाना, परमेश्वर राजगद्दी को छोड़ दिया। अभी परमेश्वर उनके बीच में आ गए, राजा बन कर ही आए। मांगी लोगों ने कहा, कहाँ है राजा, यहूदियों का राजा कहाँ है? तो क्या किया, 2 साल से छोटे जितने भी बच्चे सभी को मार दिया गया। उस वक्त भी लोगों ने इनकार कर दिया। जब पिलातुस से लिखा कि यीशु यहूदियों का राजा, तो यहूदी लोगों ने क्या बोला, नहीं ऐसा मत लिखो, वो हमारा राजा नहीं है, ऐसा लिखो वो कहता है कि मैं यहूदियों का राजा, हम कहाँ मानते उसको, वो राजा नहीं है। ये लोग यीशु मसीह को राजा नहीं मानते थे। बरसों पहले इन लोगों ने परमेश्वर को भी राजा नहीं माना और परमेश्वर को राजगद्दी से उन लोगों ने हटा दिया। आज जो हमने वचन पढ़ा था लुका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, और हमने वहाँ पर पढ़ा कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत थे वो मरियम के पास गए और मरियम के पास जाकर वो सारी बातें बताए कि तेरे जरिए मुक्तिदाता आने वाले, और जो भी बातें वहाँ पर बताई तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 32वां पद, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, यीशु मसीह को उसके पिता मतलब दाऊद के अंश में आए थे उस दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बात करने के लिए जा रहे, इज़राइल लोगों ने परमेश्वर को नकारा, तू राजा नहीं, तू हमारा राजा नहीं। अभी परमेश्वर हट भी गए, इन लोगों ने इनकार कर दिया, परमेश्वर हट गए, एक के बाद सब राजा बनते गए। अभी यीशु मसीह खुद आए राजा बनकर बीच में ही आ गए, तो अभी इन लोगों ने इनकार किया, तू राजा नहीं। लेकिन भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी और जिब्राइल स्वर्गदूत ने पहले से बता दिया था वो बड़ा होगा। फिर से पढ़ो 32वां पद, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। किसका पुत्र कहलाएगा? परम प्रधान मतलब पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहलाएंगे। फिर और प्रभु परमेश्वर हाँ के पिता दाऊद का सिंहासन, अभी दूसरा पिता दाऊद किसका पुत्र कहलाएगा? परम प्रधान मतलब पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु कहलाएंगे। फिर बोले उसको किसका राजासन दिया जाएगा? तो बोले उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दिया जाएगा। फिर से पढ़ो 32वां पद, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। देखो लोगों ने उस सिंहासन के ऊपर से परमेश्वर को हटा दिया था, लेकिन अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उन लोगों ने हटाया नहीं, अब पिता परमेश्वर बोलते मैं दूंगा उसको, अब यीशु को मैं उसके पिता दाऊद जिसके वंश में वो पैदा हुए उसका सिंहासन मैं अभी यीशु मसीह को दूंगा। अभी देखो यीशु मसीह का सिंहासन जो दाऊद का था उसके ऊपर यीशु मसीह को बिठाने की बात की, लेकिन दाऊद का सिंहासन तो दाऊद का रहा नहीं था, वो तो सुलेमान को मिल गया था। सुलेमान के बाद उसका बेटा जो था रहबाम उसको मिल गया था, उसके बाद और राजा एक उनको मिलता गया। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जो आखिरी राजा बना उसका सिंहासन बोलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अभी कोई राजा नहीं तो उसका सिंहासन बोलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि उसके पिता दाऊद का सिंहासन मैं दूंगा। क्यों दाऊद का सिंहासन, क्यों सुलेमान का सिंहासन नहीं, क्यों आसा राजा का सिंहासन नहीं, क्यों और किसी राजा का सिंहासन नहीं जो आखिर में आया उसका सिंहासन क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि मैं यीशु को जो परम प्रधान का बेटा है उसको मैं उसके पिता दाऊद का सिंहासन वो मैं दूंगा। अब यीशु मसीह को एक सिंहासन देने की बात,
लेकिन यीशु मसीह मर गए तो अभी तक उनको कोई सिंहासन नहीं मिला। मिला उनको सिंहासन नहीं, उनको नहीं मिला। सभी ने इनकार कर दिया कि ये हमारा राजा नहीं है। लेकिन एक बार नबूकदनेस्सर राजा को सपना आया कि सपने में उनको एक मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति ऐसी थी कि पहले सोना, फिर चांदी, फिर पीतल, फिर लोहा और मिट्टी मिक्स। और फिर उसमें ऐसा हुआ कि अचानक पहाड़ था, एक चट्टान थी, उसके ऊपर से एक पत्थर को काट दिया गया, लेकिन काटने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। अपना पत्थर कटा और वो पत्थर जो था उसने उस मूर्ति को नीचे से मारना शुरू किया और पूरी मूर्ति को चकनाचूर कर दिया और मूर्ति को ख़त्म कर दिया। और ऐसी एक हवा चली कि वो उस सारे भूसे को, मूर्ति का जो भूसा हो तो उसको उड़ा कर वो वहाँ से लेकर चली गई। इस जो मूर्ति थी उसका जो अर्थ था वो दानिय्येल भविष्यवक्ता ने उस वक्त कर बताया। और हम वहाँ पर देखते हैं दानिय्येल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 44वां पद। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। बाइबल में लिखा है कि उन राजाओं के वक्त में, मतलब सोने से लेकर मिट्टी तक जितने भी राजा थे, तो उस मूर्ति का हमारा सब्जेक्ट नहीं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो सारे राजाओं की बात की थी। उस सभी का नाश कर परमेश्वर अपना एक राजा बनाएंगे और उसका राज हमेशा तक रहेगा और उसका अंत कभी भी नहीं आएगा। और प्रभु ने कहा कि वो राज जो है मैं यीशु मसीह को दूंगा, उसके पिता दाऊद का सिंहासन जो है वो मैं दूंगा। और यीशु मसीह राजा बनकर आए थे। जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गए तो चेलों ने एक बार यीशु मसीह से पूछा। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद। और तब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। फिर से पढ़ो। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? इज़राइल को राज्य फेर देगा, वाचवाओ सर फिर से वाचवाओ आखार स्नान रहते फिर देगा, नहीं फिर देगा, मतलब राज्य तू क्या जो अभी रोमियो की हाथ में है उसको दे, वहाँ से तू वापस अपने हाथ में ले लेगा। ये परमेश्वर कहना चाहते, फिर देगा नहीं फिर देगा, मतलब उल्टा कर देगा, अपने हाथ में ले लेगा। तब प्रभु ने क्या कहा, मेरा राज मेरे हाथ में जब भी आए तब वो मेरे पिता के हाथ में, वो समय जानने का काम आपके हाथ में नहीं है। प्रभु उसने कह दिया कि वो जो समय है वो समय परमेश्वर के हाथ में, पिता के हाथ में, वो जब भी दे तब ठीक बात है। और फिर दूसरे शमूएल में ऐसा लिखा था, दूसरा शमूएल उसका 17 अध्याय और 12 पद से पढ़ो। तो और जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वो मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे उस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे, तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। और यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे यहाँ तक कि उसका दूसरा शमूएल 7:12-17 जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर दाऊद से कहते हैं जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके तेरे निज वंश को खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। देखो परमेश्वर सुलेमान के बारे में ऐसा कहा था, उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर, मतलब हमेशा उसका राज का अंत ही नहीं आएगा। फिर आगे पढ़ो। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। हाँ, तेरा जो बेटा है उसका बाप मैं बनूंगा, वो मेरा पुत्र बनेगा। और यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया, वरन तेरा घराना
और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। मेरे सामने ये राज्य अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। देखो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने क्या बोला था, दाऊद तेरा बेटा वो मेरा बेटा बन जाएगा, मैं उसका बाप बनूंगा। सुलेमान की बात करें मैं उसको राजगद्दी दूंगा, वो राजगद्दी हमेशा उसके पास रहेगी। लेकिन सुलेमान तो मर गए, सुलेमान तो मर गए ना, उसकी गद्दी तो ठीक ही नहीं। तो परमेश्वर ये बोल रहे कि मैं उसका बाप बनूंगा, वो मेरा बेटा बेटा बनेगा। तो ये भविष्यवाणी किसके लिए थी? अगर सुलेमान के लिए थी तो सुलेमान आज तक जिंदा होना चाहिए, सुलेमान का राज आज भी होना चाहिए। लेकिन ये सही में जो परमेश्वर बोल रहे थे वो शारीरिक बातें नहीं है, वो आत्मिक बातें हैं। बाइबल हम पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि शारीरिक जैसा लिखा है वही बातें हैं और कुछ नहीं, लेकिन ये आत्मिक बातें हैं। और ये बातें जो थी वो सुलेमान के बारे में नहीं थी, लेकिन हम बताते हैं कि किस तरह से वो सुलेमान के लिए नहीं थी। सुलेमान का जो नाम है उसका अर्थ होता है शांति से भरपूर, और सुलेमान के जीवन में देखो शांति नहीं थी। क्यों शांति नहीं थी? उसने 1000 शादी कर ली थी, कहाँ से शांति बनी रहेगी उसके घर में, उसके जीवन में शांति नहीं थी। लेकिन शांति से भरपूर अगर कोई है तो वो तो प्रभु यीशु है। ये प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी हुई थी। और जो वचन हमने पढ़ा था लूका 1 और कोई पढ़ो तो उसका 3300 पद, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और वो याकूब के घराने पर, मतलब प्रभु यीशु याकूब के घराने पर सदैव राज करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, ये तो शमूएल में लिखा था, सुलेमान के लिए लिखा था, लेकिन सुलेमान के जीवन में तो हुआ नहीं। तभी से पता चलता है कि आत्मा की बातें ये परमेश्वर ने जो बताया था वो सुलेमान नहीं लेकिन प्रभु यीशु के बारे में बताया था कि उसके पास जब राज आएगा कभी भी उसके पास से छीन लिया नहीं जाएगा। प्रभु यीशु हमेशा राजा बनकर रहेंगे, उनके पास वो राजगद्दी कभी भी नहीं जाएगी। लोगों ने नकारा तो परमेश्वर ने राज दे दिया, लेकिन एक बार फिर परमेश्वर अपने बेटे को बोला कि दाऊद तेरा बेटा वो तेरा नहीं मेरा बेटा बन जाएगा और मैं उसका बाप बनूंगा। दाऊद के अंश से प्रभु यीशु आए तो देखने जाओ तो दाऊद के बेटे, कई लोग बोलते थे हे दाऊद के बेटे हम पर दया करो, लेकिन परमेश्वर के तो मेरा बेटा बन जाएगा, मैं उसका बाप बनूंगा और वो याकूब के घराने के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा। फिर से पढ़ो 3300 पद, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब का घराना, याकूब का घराना मतलब याकूब की अंश, याकूब जिसका नाम परमेश्वर ने बताया कि इज़राइल। और रोमिया 9 में हमने पढ़ा 6-8 में कि जो इज़राइल की संतान है वो सही में इज़राइल की संतान है। परमेश्वर ने बोला चौथी पीढ़ी में अब्राहम सुन ले तेरी चौथी पीढ़ी जो आएगी, उस चौथी पीढ़ी जो गुलाम बनेगी उस चौथी पीढ़ी को मैं छुड़ा कर इस देश में लेकर आऊँगा। लेकिन चौथी पीढ़ी तो आई नहीं वहाँ पर, चौथी पीढ़ी तो वहाँ पर आई नहीं, वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गई। लेकिन परमेश्वर जो बात करे तो आत्मा की बात कर रहे थे, अब्राहम की संतान मतलब अब्राहम की संतान नहीं, इज़राइल के वंश में पैदा हो गए मतलब इज़राइल के नहीं, शरीर से पैदा हो इसका मतलब परमेश्वर के नहीं, लेकिन जो वचन से पैदा हुए वो ही लोग जो वचन से पैदा हुए। याकूब का घराना मतलब इज़राइल का घराना, इज़राइल के अंश, इज़राइल के अंश मतलब जो मसीह के हैं वो लोग, और जो मसीह के लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर बताते उनके ऊपर यीशु मसीह राज करेंगे। किन के ऊपर? जो मसीह के हैं, जो आत्मा से जो इज़राइली बन चुके, जो आत्मा से अब्राहम की संतान बन चुके उन पर हमारे परमेश्वर राज करेंगे और किसी के ऊपर राज नहीं करेंगे। मूसा के खिलाफ उठने वाले लोग, आज सेवक के खिलाफ उठने वाले लोग, सेवक के खिलाफ बात करने वाले लोग, घमंड से जिस तरह से कोरा लोगों ने बोला तो अकेला दास है, हम भी तो परमेश्वर के दास है, हमारे साथ भी परमेश्वर बात करते हैं, ऐसे घमंडी सेवक लोग वो परमेश्वर के राज में नहीं है, वो लोग तो जिंदा ही चले गए। मूसा के खिलाफ उठने वाले सारे लोग वो तो नाश हो गए, जिन जिन लोगों ने निंदा की वो निंदा करने वाले भी सब लोग नाश हो गए। अबशालोम जो दाऊद का राज, दाऊद का बेटा था, उसने क्या किया? दाऊद के घर के बाहर रहकर लोगों को दाऊद की ओर से मन फिरा लेता था और अपनी ओर कर लेता था। बाप का राज उसको चाहिए था, बाप ने कुछ नहीं बोला फिर भी बाप को हटाकर राजा बनाना चाहता था।
आध्यात्मिक पिता को बाजू में हटाकर जो लोग वहाँ वो राज लेना चाहते, वो काम करवाना चाहते, परमेश्वर बोलते ऐसे लोग आप शालम जो थे वो भी तो नाश हो गए, वो भी तो इज़राइल का बेटा नहीं ठहरा, वो भी तो परमेश्वर का बेटा नहीं रहा, आत्मा के तौर से वो भी नहीं बना। ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर के राज में वो नहीं हो सकते, ऐसे लोग परमेश्वर के राज में कभी भी नहीं आ सकते कि जो दूसरों की जगह लेना चाहते। वहीं योआब के तरह के लोग, योआब जो सेनापति था, सेनापति मतलब कि राजा का खास इंसान, राजा का पूरा भरोसा उसी के ऊपर रहता है, सेनापति जैसा बोलता है वैसा राजा योजना बनाते, क्योंकि सेनापति जो होता है वो राजा का सारा काम अपने हाथों में ले लेता है, पूरा भरोसेमंद होना चाहिए। लेकिन योआब ने भरोसेमंद काम नहीं किया, राजा का सेनापति होने के बावजूद उसने किसी और को राजा बनाने में सहायता की थी। जब परमेश्वर के लोग पीछे से वार करें, किसी के साथ गद्दारी करें, तो परमेश्वर बोलते ऐसे लोग जो है वो नहीं जिंदा, हो तो जिंदा रहने ही नहीं चाहिए। सुलेमान को बता दिया, सुलेमान खत्म कर दे रहा, और सुलेमान मतलब प्रभु यीशु, प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर बताते शिमाई जैसे हो, युवाब जैसे हो, उसको ख़त्म ही करते ना, लहू लहान हालत में वो मरने चाहिए, आम मौत नहीं आनी चाहिए, उसको ख़त्म कर दो उसको। क्या प्रभु यीशु ऐसा करेंगे? क्या प्रभु यीशु इस तरह से ख़त्म कर देंगे किसी को? लिखा था कि परमेश्वर के राज का अंत जो है वो कभी नहीं आएगा। ये अभी तो प्रभु यीशु ने राज संभाला नहीं, प्रभु यीशु ने चेलों से भी कहा वो जो राज है उसका जो समय है वो परमेश्वर के हाथों में, और जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तब परमेश्वर का राज शुरू होगा, और उसमें सीमा लोग के जैसे नहीं होंगे, वहाँ युवाओं के जैसे लोग वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ मूसा के खिलाफ उठने वाले जो लोग थे ऐसे लोग नहीं होंगे। और जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तो बाइबल में लिखने के अनुसार प्रभु यीशु अपने लोगों को ऊपर उठा लेंगे, और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है उसका 17 अध्याय और उसका 28-29-30। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसाक और याकूब, लूका 17 28 और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और जिस दिन लूत सदोम से निकला उस वक्त आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के समय मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। और जब प्रभु यीशु आएंगे तो जो प्रभु यीशु के लोग थे वो सारे प्रभु यीशु के पास बातों के ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से आग आएगी, बाकी के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमेशा समझते कि क्या यीशु मसीह ख़त्म कर सकते? हाँ करेंगे, क्योंकि अब राजा बनकर आएंगे, अपनी महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, उनका राज कभी भी नहीं टलेगा। लेकिन वहाँ पर युवा जैसे लोग नहीं चाहिए, वहाँ पर सीमा के जैसे लोग नहीं चाहिए जो श्राप देते, वहाँ पर जो बड़बड़ाते हैं ऐसे लोग नहीं चाहिए, वहाँ पर जो निंदा करते ऐसे लोग नहीं चाहिए। वहाँ तो आत्मा से जो इज़राइल लोग हैं, शारीरिक रीति से नहीं, आत्मा से। सुलेमान राजा तो उस सिंहासन के ऊपर बैठा था जो शारीरिक था, सांसारिक था, लेकिन प्रभु यीशु उस सिंहासन के ऊपर बैठने वाले जो उनके पिता परमेश्वर के, उनके ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु बैठने वाले, और पिता उनको वही सिंहासन वही राज वो देने वाले। वो राज कभी भी आ सकता है, प्रभु यीशु कभी भी आ सकते, लेकिन कैसे लोग वहाँ पर रहेंगे वो परमेश्वर को बता दे। दाऊद ने जैसे जैसे बोला ऐसे लोगों को ख़त्म कर दो, प्रभु यीशु ऐसे लोगों को ख़त्म कर देंगे। वो आज्ञा प्रभु यीशु के लिए थी कि जो राजा के खिलाफ मतलब परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले थे वो लोग नाश हो जाएंगे। ऐसा जीवन जियो कि जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु के राज में हमको जगह मिले, वानिंदा करने वाले लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों ने तो राजा को नकारा, हमको परमेश्वर राजा नहीं चाहिए, हमें और राजा चाहिए। परमेश्वर ने आसानी से वो राजगद्दी को छोड़ दिया, लेकिन वो परमेश्वर की राजगद्दी है। और परमेश्वर एक बार फिर बाइबल में लिखा है कि उसके पिता दाऊद का सिंहासन देंगे जिसमें पहले परमेश्वर बैठते थे, पहले परमेश्वर राज करते थे, एक बार फिर परमेश्वर राज करने के लिए बैठने वाले। लेकिन उनकी प्रजा
वो ऐसी वैसी नहीं होगी, उनकी प्रजा शुद्ध होगी और पवित्र होगी। बाकी के सारे लोग रास्ते में प्रभु यीशु के आने के दिन वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को वो देना चाहते हैं, वो राज देना चाहते हैं। देखो, राज आने से पहले ऐसे काम करो कि परमेश्वर को राजा समझो और राजा समझ कर उनकी सारी आज्ञा कार्य करो ताकि बचा जाओ। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं, जो राजाओं के राजा है, जो हमारे महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत है। लोगों ने प्रभु यीशु को नकारा, उनकी आज्ञाकारी नहीं की, उनको निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तुम पर राज करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं एक बार फिर आऊँगा, अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठने वाला हूँ। स्वर्गदूत ने भी कह दिया कि उसका पिता उसको उसके पिता दाऊद का सिंहासन देंगे। एक बार फिर प्रभु यीशु के हाथ में सिंहासन आने वाला है, लेकिन आने से पहले उनको बताया गया है, योआब जैसे लोग नहीं चाहिए, सीमा जैसे लोग नहीं चाहिए। राज तो प्रभु यीशु का आने ही वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस हमें बदलना है, ऐसे होना है ताकि हम उनके राज्य में रह सके और परमेश्वर हमसे प्रेम कर सके। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।